1981 में हमारी मैरिज हो गई थी। उस वक्त हमारी एज 15 ईयर्स थी। जिस दिन हमारी मैरिज थी उसके दूसरे दिन ही हमारा इंटर का पेपर था, तो वो मेरा पढ़ाई जो है वहाँ से छूट गई। सबसे बड़ी लड़का हुआ हमारा, वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में सेकंड पे हमारी ये लड़की हुई खुशबू, उसके बाद में प्रियंका हमारी हुई, इससे छोटी 3 साल बाद हमारी छोटी लड़की और हुई। फिर 3 बच्चों के बाद हम चाहते तो नहीं थे बच्चे, लेकिन चौथी बच्ची फिर हमारी हो गई। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने भी आई अर्ली मैरिज होने के कारण, जैसे एक्सेप्ट नहीं करना या किसी चीज़ को समझ नहीं पाना, और अपने पति पत्नी के बीच में जो है अजीब सा वो रहता था। पारिवारिक कलह इतनी बढ़ गई थी कि हस्बैंड जिम्मेदारी उठाना नहीं चाह रहे थे, वो क्या करते थे ईश्वर जाने, और अपने पास इतनी अर्निंग नहीं थी कि हम अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते। मैं हमारे पापा की डेथ जो है काफ़ी छोटे थे तभी हो गई थी, इसी वजह से कुछ चाहे गांव का तो प्रेशर समझ लीजिए, मम्मी से बार बार कह रही थी, तो मम्मी ने शादी भी कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी दुष्परिणाम हमें झेलने पड़े हैं। धर्म इज गिविंग अप मान। जो ये खुशबू है ये उम्र छोटी थी इसकी, इनकी माँ ने इनका विवाह तय कर दिया। ऐसे तो तमाम लड़कियाँ यहाँ देहाती नाम ही हैं, एक का नाम जहाँ तक बबली था, कुछ ऐसे करके नाम था उसकी, काफ़ी कम उम्र में शादी हो गई। बगल में हमारे यहाँ मंजू रहती, इसकी भी कम उम्र में शादी हो गई थी। उसके बाद 9th किया, रेगुलर लाला गणेश में जा रहे थे। उसके बाद हाई स्कूल में कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हाई स्कूल कर नहीं पाए दोबारा। अगर इस समय होता तो हम खुद समझ सकते थे, खुद आगे बढ़ सकते थे, लेकिन पहले छोटे थे इसलिए कुछ कह भी नहीं पाते थे, समझ भी नहीं पाते थे कि ये लोग क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं। हम दोनों ही छोटे थे उस समय, फैमिली प्लानिंग भी नहीं की थी कोई, बस ऐसे ही वो हो गया। इसी वजह से माँ और बच्चे दोनों में से एक को बचाने की बात आई, डॉक्टर ने कोशिश तो की थी, इसीलिए शायद बच्चा बच्चा भी नहीं था। बाकी इसके पास हमारे पास कोई किताब तो आई नहीं, कोई नियमावली हमें तो मिली नहीं। इतना बता सकते हैं कि लड़की 18 साल की हो जाए, 18 साल से ऊपर हो जाए, कि जब लड़की को समझने योग्य हो जाए, कुछ काम काज उठाने योग्य करने योग्य हो जाए, तब शादी होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। हर वर्ष हम 5-6 विवाह, 7-8 विवाह जरूर ऐसे कराते हैं जिनकी उम्र जो है 15 साल से कम या 15 साल 16 साल के अंदर रही हो, और अब की भी करवाएंगे। हमारे पास जो है तारीखें बुक हो चुकी हैं। मैंने सुना है कि बाल विवाह एक अपराध है, मगर मैंने अधिनियम अभी तक तो पढ़ा नहीं। मैं तो गांव में यही कहता हूं कि शादी जो है वो 18 साल के बाद ही की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी भी बाल विवाह हो रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़की जो है वो पराया धन है, इसलिए जल्दी इसकी शादी कर दो या अपने घर द्वार चली जाए। मेरे सामने एक ऐसी स्थिति होती है कि यदि मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करूँ तो गांव में मेरा विरोध होता है, इसलिए मैं जानकर भी चुप रहना ही पसंद करता हूं। जैसा कि डेटा है NFHS का 2007 का डेटा है, जो शादी हो रही है वो 18 ईयर्स से कम की हो रही है। ये बहुत ही बड़ा अलार्मिंग चीज़ है कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी आज भी स्थिति यह है कि यहाँ पर 61% लड़कियों की शादी जो है 18 ईयर से पहले हो जा रही है। दीदी की एक लड़की भी हुई थी, वो भी एक्सपायर हो गई थी, जिसके कारण मेरी दीदी बहुत ही डिप्रेशन में चली गई और एकदम गुमसुम सी हो गई थी, किसी से कुछ बात भी नहीं करती थी, अपने ही आप में खोई रहती थी। और
कमज़ोर भी बहुत हो गई थी क्योंकि उनका खून भी बहुत सारा बह चुका था। दीदी को देखकर मुझे यह एहसास हुआ है कि दीदी के साथ जो हुआ, दीदी का बचपना छिन गया है। और इसे देखकर मैं, मुझे यह शिक्षा मिलती है, जब तक मैं अच्छे से पढ़ लिख ना जाऊँ और अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाऊँ, तब तक तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ही नहीं, और भी लड़कियाँ कहीं अपने आप को उस काबिल बना कर ही तभी वो शादी के बारे में सोचें। मिली पहली बात तो सीख हमें अपने से ही मिली थी कि हमको ऐसा नहीं करना है, लेकिन अब हमने कर दिया। लेकिन अब हम कभी भविष्य में ऐसा नहीं चाहते, कितनी भी परेशानियाँ होंगी लेकिन अपने बच्चों को ऐसा नहीं पहुँचाएंगे। पंडित जी भी पंथ में पीयर एजुकेटर का काम कर रहे हैं। ये भी यूथ फॉर चेंज का एक प्रोग्राम आया था जो अभी भी चल रहा है। हम लोग अधिक अभी ये बताते रहते हैं कि कम उम्र में शादी के क्या दुष्प्रभाव हैं, इस वजह से अधिक तो हम लोग बताते रहते हैं। एक दो जगह हम लोगों ने कम बाल विवाह पे एक शादी रोकी भी है।